नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, गर्मी के टेम्परेचर से हमारी त्वचा और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत नुकसान होता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ किन पांच खानों को आपको खाना चाहिए और किन खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी सेहत पर नुकसान ना पहुँचे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ तेज मसाले वाला खाना। गर्मी के दिनों में अतिरिक्त मसाले का सेवन करने से बचना चाहिए। यह शरीर की गर्मी को संचार करते हुए और यह पाचन को खराब करता है और मेटाबॉलिज्म को रद्द करता है। मांसाहार, मछली, चिकन, मांस, समुद्री भोजन, अत्यधिक ग्रेवी वाले व्यंजन खाने से गर्मी उपयुक्त समय नहीं है। वास्तव में इससे व्यक्ति को और अधिक पसीना आता है और पाचन की समस्या भी हो जाती है। ज़्यादातर मसाला खाने वाले से लोगों को डायरिया भी हो सकता है। ऑयली जंक फूड, इस मौसम में मांस, मच्छी, बर्गर, डीप फ्राई जैसे व्यंजन तथा अन्य तेल पदार्थ वाली खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सभी चीज़ें आपके पाचन से संबंधित खराब करती हैं और यह ऊर्जा भी कम करती है। चाय और कॉफ़ी, इन पदार्थों से आपको परहेज करना चाहिए। कैफीन और अन्य पेय पदार्थ वास्तव में आपके शरीर में गर्मी बढ़ाने के साथ साथ आपकी निर्जलाकरण को भी डिहाइड्रेट करती है, तो आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप इसका गर्मी में कम से कम पिए या इस्तेमाल करें। सॉस खाने से बचें, सॉस भी बहुत नुकसान करता है। उसमें तकरीबन 350 कैलोरीज होती हैं जो आपको सुस्त बना सकती हैं। कुछ सॉस में तो नमक भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय गर्मी में आप पौष्टिक भोजन को साथ साथ लस्सी, छाछ, नींबू पानी, शिकंजी और आम पन्ना जैसी सरल पदार्थों का सेवन करें। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कितने अच्छे उपाय बताए गए हैं। आप इन सब उपायों का सेवन करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।